परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। संसार में खीरा की तरह रहो, संसार में खीरा की तरह रहो। प्यारे लोगों, जहाँ से अनहद सुनने का आरंभ होता है वह नाम का घर है। कंज माने कमल, कंजा कमल माने ध्यान का आरंभ जहाँ से होता है। लीलागिरी माने कौतुक का पहाड़। शब्द के ध्यान में जो ज्ञान बढ़ा वह है नाम का प्रकाश, अथवा जिस प्रकाश से नाम प्रकट होता है वह दीपक बारह नाम का है। बाती दीनी टार सुरत को आगे बढ़ाया। तल्ली ताल तरंग बखानी माने तल पर शब्दों की तरंगें उठती हैं। तल्ली माने तल। इस सत्संग में कहा जाता है कि अपना उद्धार करो। इस संसार में पूर्ण रूप से कोई सुखी नहीं होता है, यहाँ केवल कहलाने के लिए सुख है। दरअसल यह संसार सुख का स्थान नहीं है, इससे पार हो जाना चाहिए। जब तक आप देह में रहिएगा तब तक संसार में रहना होगा। संसार का अर्थ केवल स्थूल जगत नहीं, जहां तक शरीर है वहां तक संसार है। इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है। साधारण मृत्यु में केवल स्थूल शरीर चला जाता है, पर मर जाता है, जीवात्मा मरता नहीं है। सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर नहीं मरते हैं, इसके साथ जीवात्मा रहता है। भजन करने से ही इन बचे शरीरों को मार सकते हैं। जिस तरह स्थूल शरीर से जीवात्मा निकल जाता है तो स्थूल शरीर मर जाता है, उसी तरह सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर से जीवात्मा के निकल जाने पर इस शरीर की मृत्यु होती है। किसी भी लोक में रहिए, किसी भी शरीर में रहिए, स्वर्गादिक लोक में रहिए, ब्रह्मा ब्रह्म के लोक में रहिए, ब्रह्मा के लोक में रहिए, सभी जगह कष्ट ही कष्ट है। शिवलोक में शिव को भी कष्ट होता है। सभी लोकों में झगड़ा तकरार सापा सापी होते हैं। गोलोक में भी ऐसा होता है। गर्ग संहिता पढ़कर देखिए, कितना हूं सुंदर से सुंदर देह वाला हो, कितना हूं ऊंचा लोक हो, सब में दुख है। इसलिए अपने उद्धार के लिए सब शरीरों को छोड़ना होगा। जैसे कोई घर से बाहर जाना चाहे तो पहले घर ही घर चलना पड़ता है, उसी तरह शरीरों से निकलने के लिए शरीर ही शरीर निकलना होगा। और सब शरीरों से निकलने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। अभी आप लोगों ने तुलसी साहब का पद जीव का निवेरा सुना, उसमें अंतर मार्ग का वर्णन है। संसार में जो कुछ देखने में आता है वह अपने अंदर भी देख सकते हैं। सब शरीरों को छोड़ने का अपने अंदर में ही यत्न होना चाहिए। परमात्मा के दर्शन का यत्न अपने शरीर में ही होना चाहिए। बाहर में जो दर्शन होता है वह माया का दर्शन होता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गो गो चरजा लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। अपने अंदर जो चलता है तो उसको देव रूपों का दर्शन होता है और अंत में परमात्मा का भी दर्शन होता है। इसका यत्न है अपने घर में रहो, सत्संग भजन करो और यह ख्याल रखो कि यह शरीर छोड़ना होगा। घर बढ़िया बढ़िया हो उसमें अपने उसमें आपने आराम किया हो तो उस सोने के महल में भी कोई नहीं रखता जब इस शरीर से प्राण निकल जाता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि एक घड़ी को ऊ नहीं राखत घरते देत निकार। इसमें आसक्त होने से ठीक नहीं है। कोई भी संसार में सदा नहीं रह सकता। संत चरण दास जी की शिष्या सहजोबाई ने बड़ा अच्छा कहा है, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वा बीस सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुथावे शीश। कोई कितना हो प्यारा हो सबको छोड़ कर जाना होगा। इसलिए संसार में खीरा बनकर रहो, खीरा ऊपर से एक और भीतर से फटा हुआ होता है। इस तरह संसार में रहने से कल्याण होगा। ना तो बाल बच्चों को छोड़ो और ना इसमें फंसो। फंसाव को छोड़कर अपने अंदर साधन भजन करो, जप करो, ध्यान करो। इसके लिए चाल चलन अच्छी बनाओ। झूठ एकदम छोड़ दो। जो झूठ बोलेगा उसी से सब पाप होगा। जो झूठ छोड़ देगा उससे कोई पाप नहीं होगा। चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, नशा मत खाओ पियो। नशा खाने से मस्तिष्क ठीक नहीं रहता। भांग तंबाकू गांजा सबको छोड़ दो। हिंसा मत करो, जीवों को दुख मत दो। मत्स्य मांस मत खाओ। मत्स्य मांस खाने से जलचर थलचर नवचर के जो स्वभाव हैं तासीर हैं उस स्वभाव को खाने वाले अपने अंदर लेते हैं। अपने शरीर पर विचारिए और उन जानवरों के शरीर पर विचारिए। मनुष्य का शरीर तो देवताओं के शरीर से उत्तम है, फिर इतने पवित्र शरीर में अपवित्र मांस को देना ठीक नहीं। हिंसा दो तरह की होती हैं, एक वार्य और दूसरी अनिवार्य। वार्य हिंसा से बच सकते हैं। जीवा स्वाद के लिए नाहक जीवों को मारना वार्य हिंसा है, इससे बचना चाहिए। कृषि कर्म में जो हिंसा होती है वह अनिवार्य है। अनिवार्य हिंसा के से कोई बच नहीं सकता। वारी हिंसा से बचो। मांस मछली नहीं खाने से सात्विक मन होगा और तब भजन बनेगा। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन खगड़िया जिला के श्री संतमत सत्संग मंदिर रामगंज में दिनांक 26/5/1955 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु।